जय हिंद दोस्तों, लोको पायलट अमित आनंद क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो भैया, आप लोगों का जो कमेंट था कि भैया एक मेडिकल पे वीडियो बनाइए, कहने का मतलब रेलवे में मेडिकल, अगर आप एक असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर आना चाहते हैं तो उसमें मेडिकल के तौर पर क्या क्या किन किन चीज़ों का टेस्ट होता है। तो जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं अपने खुद के बारे में आपको बताऊँगा। अभी जो आपसे बात करेंगे हम, अपना खुद का मतलब कि मेरा जो मेडिकल लिया गया, किन किन चीज़ों का लिया गया, कैसा रहा मेरा मेडिकल, हम उन्हीं चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। तो मैं बता दूँ, जैसे कि हम जो फॉर्म भरे थे कोलकाता बोर्ड में भरे, जैसे मेरे चैनल पे जो भी नए व्यूअर है, जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर रेलवे से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, साथ में पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स दिया जाएगा। जैसे कि हम बताएं, हम जो फॉर्म भरे थे कोलकाता बोर्ड से भरे थे, कोलकाता बोर्ड में मेरा जो रिजल्ट हुआ था SER और ER दोनों में हुआ था, दोनों का कट ऑफ पार किए थे, लेकिन फर्स्ट चॉइस जो हम रखे थे SER रखे थे, यानी साउथ ईस्टर्न रेलवे। इसी कारण मेरा जो रिजल्ट मतलब हमको जो चुना जो गया वो SER में चुना गया। ठीक, तो SER का जो कोलकाता में SER का जो मेडिकल हॉस्पिटल है वो गार्डन रिच है। तो मेरा जो मेडिकल लिया गया, मेडिकल टेस्ट हुआ, वो गार्डन रिच में। गार्डन रिच में जब वहाँ पर गए तो 12 लड़का का एक ग्रुप बना दिया गया। मेरे ग्रुप में 12 लड़का था, 12 लड़का का जो काम होता था एक साथ होता था, यानी कि 1x1 करके। जैसे कि वहाँ पर क्या होता था ना कि जैसे आपका नंबर आया तो आप रूम में जाएंगे, रूम में सर यानी कि डॉक्टर रहते थे और उसका असिस्टेंट रहता था, तो वहाँ पर आपका नाम लिया जाएगा, आप अंदर जाते, फिर आप बाहर आते, फिर तब दूसरा जाता, कहीं मतलब 12 में बैठे रहते थे, 1x1 करके सबका मेडिकल लिया गया। ठीक है, तो जब मेरा नंबर आया, देखो उसमें मेरा तो 5-6 नंबर पे थे, लेकिन जब और 5 बंदा पहले घुसा तो उससे पूछे तो बताया गया जो जो लिया गया मेडिकल, भी हम बताएंगे क्या क्या लिया गया। तो लेकिन पूछते थे कैसा रहा, बोलता था सब ठीक रहा, मतलब क्या बोलता उसको सर कोई जवाब नहीं देते थे ना कि वो क्या रहा, फिर रहा नहीं फिर रहा, कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ चेक करता था और भेज देता था बाहर। तो वो क्या बोलता, तो मतलब सब थोड़ा सा होता है उस टाइम जब मेडिकल होता है तो घबराहट से थोड़ा अंदर से होता ही है, सबको सबके साथ होता है ऐसा। तो मेरा नंबर आया तो हम गए, तो वहाँ पर मेरा सबसे पहले जैसे नाम पूछा जाता है, आपका नाम पूछेगा, उसके बाद आपका जो एज है वो लिखेगा, उसके बाद सर प्रथम आपका BP टेस्ट करेगा, BP टेस्ट होने के बाद उसके बाद आई टेस्ट पे आ जाएगा। तो आई में बहुत सारा टेस्ट लिया जाता है, कलर विजन टेस्ट लिया जाएगा आपका। कलर विजन टेस्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में, ये आपको बुकलेट दे देता है आपके सामने में, डॉक्टर भी रहेगा और उसका असिस्टेंट भी रहेगा, और बोलेगा इस पर उंगली घुमाने के, पहले बोलेगा कि ये कितना लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरह सेम चीज़ यही रहेगा। ठीक है, ऐसा ही रहता है, इस बोले पूछेगा कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, इस तरह का अंक आपके सामने आएगा। ये सिंगल अंक आएगा, फिर डबल अंक आएगा, डबल अंक जैसे 89 हाँ 89 हो गया, जैसे 79 हो गया, 79, आप तोड़ के भी बोल सकते हैं, आप एक साथ भी बोल सकते हैं, जैसे 89 को 89 बोलेंगे या 89 बोलेंगे, आपको जैसे आता है बोल सकते हैं, 89 भी बोल सकते हैं, 89 भी बोल सकते हैं या 89 भी बोल सकते हैं। जैसे 69 लिखा है तो 69 भी बोल सकते हैं, 69 भी बोल सकते हैं या 69 भी बोल सकते हैं, मतलब उसको सिर्फ बताना है आपको कि लिखा क्या है। उसका मेन फंडा था कि आप उसको बताइए लिखा क्या है, आपका जो कलर भेजन है वो सही तो है, वो सिर्फ आपका कलर भेजन टेस्ट करता है। उसके बाद उसी में आ जाता है एक घर वाला, उसी में गोल टाइप का रहेगा पूरा, वो तो अभी छोटा आपको जो दिखा रहे छोटा दिखा रहे, वहाँ पर बड़ा सा किताब रहता है, पूरा किताब पे ही वैसा फिगर रहेगा। ठीक है, उस फिगर पे बोलेगा उंगली मूव करने के लिए, उंगली घुमाओ, जैसे जैसे वो रास्ता गया है वैसे वैसे बोलेगा उंगली घुमाने के लिए, आप उंगली घुमाइए वैसे वैसे रास्ता में, आपको इधर उधर नहीं जाना, इधर उधर जाएंगे तो समझ जाएगा इसको कलर भेजन है। ठीक है, कलर विजन ऐसा होता है जिसका बीमारी मतलब वो जन्मजात होता है, वो उसका इलाज नहीं है, मतलब आपके खानदान में किसी को है तो आपको भी होगा। तो कलर विजन का टेस्ट इस तरह किया जाता है, कलर विजन टेस्ट में अगर आप पास कर जाते हैं, आप ढंग से वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लेगा आपको क्या करेगा, उसके बाद आपका फिर और है टेस्ट, जैसे क्या करेगा, सामने आपका दीवार रहेगा, ठीक है, दीवार रहेगा, दीवार में एक बोर्ड लगा रहेगा, बोर्ड से यहाँ से आपको 6 मीटर की दूरी पर, जैसे देख रहे हैं फिगर बना रखे हैं, 6 मीटर की दूरी पर, 6 मीटर का ये डिस्टेंस है, 6 मीटर की दूरी पर आपको बैठा दिया जाएगा, यहाँ आप बैठे रहेंगे। ठीक है, सामने बोर्ड रहेगा, यहाँ आप बैठे रहेंगे, और यहाँ पर जैसा कि आप लोग सिग्नल देखते हैं, आप जब रास्ते में चलते होंगे, जब ट्रेन पे जाते हैं या किसी स्टेशन पर जाते हैं, देखते हैं सिग्नल क्या रहता है, लाल हरा पीला, ठीक है, तो वही बल्ब यहाँ रहेगा, यहाँ 3 बल्ब नहीं, एक बल्ब रहेगा, ठीक है, एक ही बल्ब रहेगा, ये पूरा एक बल्ब रहेगा। इसी में पहले आपको नॉर्मल बोलेगा, एक बल्ब जला देगा, ठीक है, पहले जला देगा ग्रीन जला देगा, पहले ग्रीन जला दिया, यानी पहले हरा जला दिया। ठीक है, आपसे पूछेगा कौन सा कलर जल रहा है, ये भी कलर विजन में ही आता है, पूछेगा कौन सा कलर जल रहा है, आप बोलेंगे ग्रीन,
फिल कर देगा येल्लो, येल्लो कर देगा, ठीक है। फिर पूछेगा कौन सा कलर चल रहा है, फिर बोलिएगा आप येल्लो, फिर रेड कर देगा, फिर रेड कर देगा, फिर पूछेगा, फिर बोलेंगे आप रेड। इस तरह से चेक करेगा, येल्लो में क्या करेगा ना, येल्लो में थोड़ा सा खेल खेल जाता है डॉक्टर, क्या खेलेगा आपको, एक होता है डीप येल्लो, डीप येल्लो करेगा ना तो आपको एकदम प्योर येल्लो दिखेगा आपको, एकदम ज़्यादा लाइट करेगा, ज़्यादा लाइट करेगा तो ज़्यादा आपको आंखों तक रोशनी आएगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपको क्या होगा, एकदम क्लियर लगेगा कि नहीं येल्लो ही है। लेकिन येल्लो को जब हल्का डिम कर देगा, मतलब हल्का येल्लो कर देगा, तो आपको लगेगा ना डेंजर, सॉरी डेंजर मतलब, डेंजर का मतलब क्या, रेड, हाँ आपको लगेगा ना लाल कलर, यानी रेड कलर है। येल्लो को हल्का डिम कर देगा, आपके घर में अगर कोई येल्लो, जैसे कि पहले जो टॉर्च आता था क्या आता था, उसका जो शीशा रहता था येल्लो कलर का, बढ़ते थे पूरा, मतलब जैसे 100 वाट का बल्ब आता है वो क्या रहता, पूरा व्हाइट नहीं रहता, वो येल्लो कलर जलता है, ठीक ना, उसी में और हल्का डिम हो जाएगा, वो मंद मंद जिसको बोलते हैं, हल्का येल्लो जिसको बोलते हैं, हल्का कलर, वो आपको ना लाल दिखेगा, और दूर से दिखेगा ना तो लाल दिखेगा, ऐसा होता है कभी कभी। या तो फिर उसी येल्लो को धूप में दिखेगा, धूप में कभी निकाल के दिखेगा उसको, वो आपको फिर लाल दिखेगा, लाल क्लियर लाल नहीं दिखेगा, लगेगा आपको कि लाल ही दिख रहा है वो, लेकिन लाल नहीं है वो, येल्लो ही है, मतलब ऐसा दिखता है। तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, वही येल्लो ही है, येल्लो ही बोलना है आपको, ऐसा चेक करेगा। पहले ये नॉर्मल चेक करेगा, ठीक है, ये नॉर्मल चेक करेगा, उसके बाद आपको चश्मा पहना देगा, चश्मा पहना देगा, चश्मा पहनाएगा, कैसा चश्मा, फॉगी टेस्ट करेगा, फॉगी टेस्ट, फॉगी टेस्ट वाला चश्मा पहनाएगा, उसमें फिर गजब, मतलब इतना मोटा चश्मा रहता है उसका, जो ले मतलब शीशा बना रहता है जो, मतलब दिखता है शीशा जो उसका होता है, बहुत मोटा होता है और उसमें पूरा धुंधला होता है, मतलब आपको कुछ दिखेगा नहीं, जैसे आप पहन लिए ना, सामने कभी कुछ नहीं दिखेगा, दूर कभी कुछ नहीं दिखेगा, मतलब आपको कुछ दिखेगा नहीं, जैसे आँख पे पट्टी बांध देता है ना, वैसा ही पट्टी समझिए आपके लिए, कुछ नहीं चश्मा पहने मतलब आपको दिखेगा नहीं, वो अलग चश्मा ही है, वो अलग रहता है। और पूरा मतलब धुआं, किस तरह मतलब धुआं होता है, जिस तरह कुहासा होता है, घना कुहरा रहेगा तो नहीं दिखता है, सामने आपको आगे नहीं दिखेगा, वैसा रहता है, वो आपको पना देगा। उसके बाद पूछेगा क्या, कौन सा कलर दिख रहा है आपको, आपको पना के पूछेगा कौन सा कलर दिख रहा है, भैया हमको दिख ही नहीं रहा है, कलर का तो दूर की बात है, हमको दिखेगा तो पहले दिखे तो सही, आगे जल क्या रहा है तब तो हम कलर बताऊँ, आपको दिखेगा ही नहीं तो आप बोलेंगे सर हमको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप बोलेंगे सर कुछ नहीं दिख रहा है, जब ऐसा बोलेंगे तब यहाँ से आप चश्मा वाला कलर विजन टेस्ट में आप पास हो गए। उसके बाद आ जाता है वही 6x6, 6x9 या 6x12 या 6x36, ये चेक करता है कि आप 6x6 हाँ या ना, यानी आपका 6x6 है या नहीं है, ये चेक किया जाता है। जैसे हम मेरा जो क्या गया, देखो मेरे साथ क्या किया गया, 6x6 चेक कैसे किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं बगल में लिखा होगा ऐसे सी एक बहुत बड़ा होता है, पहले मैं इसको मिटा दूं जरा, एक बहुत बड़ा एक कार रहता है, ठीक है, लकड़ी रहता है, ठीक है, इसी में ये सी रहता है, ऐसे सी रहेगा और इसी बोर्ड में टंगा रहेगा, ये इसी बोर्ड में कांटी के साथ ये लटकाया हुआ रहेगा, ठीक है, इसके बीच में ऐसे छेद रहता है और ये कांटी के साथ रहता है और इसके पीछे में देखो हम ठीक से तरह बनाते हैं, जैसे कि ठीक है ये लटकाया रहेगा, ये ऐसे रहेगा और इसके पीछे में ऐसे देखो ये दीवार है, ये सी लटका हुआ है, यहाँ पे ये सी लटका हुआ है, ये दीवार में ऐसे लटका हुआ है सी, इसको पीछे से मूव करेगा, पीछे से इस सी को कुछ नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा, पीछे से मूव करेगा सी का कलर ऐसा रहता है, यानी ये कटा हुआ रहता है, सब देख रहे हैं बगल में, आपके देखिए बगल में फिगर रख दिए हम, ऐसा ही रहता है, किसको 6x6 बोलेगा, किसको 6x9 बोलेगा, सबके लिए अलग अलग साइज रहता है, वैसे आपको पकड़ने के लिए देगा वहाँ पर, वैसा ही आपको बताना, जैसा बताएंगे आप उसी कैटेगरी में आपको रखा जाएगा, यानी 6x6 में बताएंगे आप, जैसा कि साइज देख रहे हैं 6x6 का कौन है, 6x9 का कौन है, 6x12 का कौन है, तो जिस साइज को आप बताएंगे तब इस तरह का सी आपको दे देगा, ठीक ना, सी यहाँ पे रहेगा, आप समझ गए सी कैसा रहता है, सी रख देगा यहाँ पे, पहले सबसे छोटा वाला रखेगा, सबसे छोटा वाला, उसके बाद यहाँ से आपको बोलेगा क्या बताइए सी का मुंह किस तरह पे, देखिए ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे, हाँ यह बोलेंगे ये हो गया बाएं, ये हो गया दाएं, मतलब आप जो बैठे हैं, देखो मैं हमको देखो सीधा हमको देखो, छोड़ो बोर्ड को छोड़ो, हम बैठे हैं, मेरे सामने आप हैं, आप ही को हम सी मान लिए, ठीक है, आपका जो मुंह है आपको हम सी मान लिया, देखो आपके मुंह को क्या करेगा, वो मूव करेगा,
आपका जैसे कि क्या है, नाक नीचे है, सपोज दैट ये क्या है, नाक का छेद नीचे है, ठीक है। बोलेगा कि उसका नाक का छेद किस साइड, किस दिशा में है, आप बोलेंगे नीचे, फिर नाक के छेद को मूव कर देगा, 6 मीटर की दूरी पर रहेगा, 6 मीटर की दूरी पर रहेंगे आप, फिर क्या करेगा, मूव कर देगा, या आपके मुंह पर सी लटका हुआ है, ठीक है, आपके मुंह पर ये जो मुंह है आपका, इसी पे सी लटका दिया है, ठीक है। सी का साइज, सी का कट कलर कैसा, कट ऐसा कट रहता है, ये कट, ये कट, ये जो है आपके मुंह के नीचे ऐसे ऐसे लटका हुआ है, बोलेगा सी का जो मुंह है किधर खुला हुआ है, आप बोलेंगे नीचे, हम बोलेंगे नीचे, देखिए नीचे ऐसे बोले ऐसे, फिर सी को क्या करेगा, घुमा के इधर कर देगा, मुंह इधर निकाल देगा इसका, फिर बोलेगा सी का मुंह किधर है, आप बोलेंगे मेरा बयां, ये बयां हुआ ना मेरा दयां, आप बोलेंगे मेरा दयां, फिर घुमा देगा ऊपर कर देगा, फिर बोलेंगे ऊपर, फिर कर देगा इधर, बोलेंगे दयां बयां। इस तरह से सी का मतलब कि जो टेस्ट किया जाता है 6x6 का, इस तरह से टेस्ट किया जाता है, उसी में फिर छोटा का हंसका के फिर बड़ा बड़ा रखेगा, इस तरह से आपका 6x6 है या 6x9 है, आप किस कैटेगरी में आप आते हैं वो चेक किया जाता है, सी को मूव करते जाएगा, आपसे पूछते जाएगा, आप बोलेंगे कभी बायां है, कभी दायां है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, इस तरह से 6x6 आपका चेक किया जाता है। अगर आप 6x6 हैं तो वहाँ पर जो भी आपका टेस्ट में आया वो आपको वहाँ पर लिख देगा। उसके बाद सर से आप पूछ सकते हैं, सर क्या हुआ नहीं हुआ, जैसे हम पूछें, हम तो जैसे ही मूव करते गया ना, मूव करते गया, जैसे मूव करते तैसे बताते हैं, सर बयां है, सर दयां है, सर ऊपर, सर नीचे, जैसे मूव करता तैसे, एक बार तो मूव ही नहीं किया, हाँ जैसे एक मूव किया हुआ था सी को ऊपर, जैसे जैसे सी का कट ऊपर था, ऐसे ऐसे करके बोलता है सी का कट किधर है, बोलते ऊपर, फिर झूठो का ऐसे ऐसे कर दिया, कुछ नहीं किया उसको, झूठो का ऐसे ऐसे छूट दिया, सिर छूट दिया उसको, फिर बोलता फिर किधर, फिर बोलता फिर सर ऊपर, मेरा पीठ एकदम सर पर यहाँ से ठोक दिया, हाँ एकदम एक ग्रेड, मतलब हम समझ गए एकदम, हम मेरा जो है 6x6 है एकदम मैच खुश हो गया। और फिर तब वहाँ उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, आई टेस्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद होता है पाइस चेक किया जाता है, पाइस चेक किया जाता है, पाइस चेक हो जाएगा, उसके बाद हरनियों का चेक किया जाता है और हाइड्रोसिल का, हाइड्रोसिल का टेस्ट चेक किया जाता है, यानी कि पैंट थोड़ा आपका नीचे कर दिया जाएगा और थोड़ा जंप करने के लिए बोलता है, जंप करने के लिए बोलता है, छूटा नहीं है वो, बैठ के उसका जो असिस्टेंट रहता है वो देख लेता है। और उसके बाद वो हरनियों का चेक किया जाता है, देखो हरनियों भी सबको होता है, ठीक है ना, किसी किसी का होता है क्या निकल जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, हरनियों का एक शिकार मतलब कि वो बीमारी के तौर पर आ जाता है, होता सबको है वो, ऐसा नहीं कि किसी को होता है किसी को नहीं, वो सबको होता है, ठीक है ना, किसी किसी का बाहर निकल जाता है, जैसा कि देख रहे हैं आप हरनियों को कौन सा है। तो हरनिया जो चेक किया जाता है, आपको बोलेगा ना ऐसे गला ऐसे करवा देगा, मुड़ी ऊपर ऊपर करवा देगा ऐसे, और बोलेगा जोर से खांसो, जब खांसेंगे अगर आपको हरनिया का शिकायत रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा, जैसा देख रहे हैं वो पेट के नीचे वाले हिस्सा में पाया जाता है, फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, पेट के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है, अगर वो आपको कभी निकला होगा, कभी शिकायत हरनिया का आया होगा, जोर से ऐसे करके खांसिएगा ना वो बाहर आ जाएगा, ऐसा करना नहीं है आपको, ऐसा होता भी नहीं है, जिसको शिकायत आता है उसी को होता है, वो खांसने पे वो बाहर आ जाएगा। तो हरनिया का चेक किया जाता है इस तरह से, वहाँ आपका एक रूम में इतना टेस्ट होता है, उसके बाद वहाँ पर कंप्लीट करने के बाद 12 का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भेजा हम लोग को ऊपर, ऊपर जब भेजे तो बहुत बड़ा जेसीबी जैसा मशीन था, एकदम जैसे लग रहा है जेसीबी ही है, जेसीबी से भी बड़ा एकदम मोटा एकदम, वो एक्सरे का मशीन था एक्चुअली, वो उसमें क्या क्या एकदम पूरा नंगा कर दिया, ऊपर पूरा उतरवा दिया, ऊपर का एक भी कपड़ा नहीं, और ऐसे सटा दिया उसमें मशीन में, ऐसे मशीन में सटा दिया, और एक्सरे लिया, एक्सरे लिया मतलब एक एक हड्डी गिन लेगा आपके शरीर का, आप कितना मोटा क्यों ना है, एक एक हड्डी गिन लेगा, दिल में छेद है वो भी देख लेगा क्या है आपके शरीर में। तो कहने का मतलब बहुत बड़ा एक्सरे का मशीन रहता है, वहाँ पर आपका एक्सरे किया जाता है, वो हो गया, उसके बाद ब्लड टेस्ट ले लेगा आपका, आपका यूरिन सैंपल ले लेगा। ये होने के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है, अभी जहाँ की लड़का लोग कोई ना कोई फ्रॉडगरी करता है, और अगर उसमें पकड़े गए आपका ये तो नौकरी जाएगा ही, ऊपर से जेल भी होगा, और कभी ज़िंदगी में आप आरआरबी का कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते। तो वो क्या है, आई टेस्ट में जो लेंस होता है, कोई कोई क्या होता है ना लेंस लगा लेता है, जैसे 6x6 जिसका नहीं है ना, 6x6 करने के लिए वो क्या करता है, लेंस लगा लेता है, लेंस लगाए हैं या नहीं वो टेस्ट किया जाता है, ये इस इन चीज़ों से आपको गुजार देगा। पहले देखो वो टेस्ट पहले नहीं करेगा, वो टेस्ट बाद में करेगा, क्योंकि वो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है ना, वो करने के बाद ना आपको क्या बोला अभी बताते हैं उसका कहने, उसके लिए क्या करता है, लेंस में आप लगाए हैं या नहीं उसके लिए क्या करता है ना, 2 बूंद ड्रॉप डालेगा दोनों आँख में,
दोनों आंख में डालेगा और कुछ देर बाद आपका आंख बाहर आ जाएगा, दोनों आंख, लगेगा मेरा आंख बाहर रखा हुआ है, बाहर निकाल के रख दिया है। इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा आंख, मतलब बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा उभर जाएगा एकदम बाहर। उसके बाद आपको मतलब विचित्र लगेगा, और हवा, जैसे आंख में क्या होता है हल्का सा हवा लग जाता है तो क्या होता है मतलब आंख से आंसू गिरने लगता है, होता है ना, तो उसी तरह जब बाहर आ जाएगा ना पूरा आंख से पानी जा रहा है मतलब कि गजब मतलब लगेगा आपको। उसके बाद कुछ साफ साफ दिखेगा ना, सब धुंधला दिखेगा, सामने में कौन है नहीं है सब कुछ धुंधला दिखता है, मतलब ढंग से नहीं दिखेगा आपको। इसीलिए वो टेस्ट बाद में किया जाता है, ठीक है। जब आंख बाहर आ जाएगा मतलब बाहर नहीं आ जाता, मतलब थोड़ा उभर जाता है वो हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा मशीन रहता है, उस मशीन में आपका मुंडी डाल देगा, पूरा ये गर्दन जो है ना पूरा घुसा देगा, और बड़ी ही बारीकी से चेक किया जाता है वहाँ पर, छोटा छोटा एकदम छोटा, पहले बड़ा लेंस लगा के देखेगा, मैडम इधर रहेगी आप इधर रहेंगे, देखो ये मशीन रहेगा, बीच में मशीन रहेगा, ठीक है, बीच में मशीन रहेगा, इधर से मैडम रहेगी, इधर से आप रहेंगे, आपका मुंडी इसके अंदर रहेगा, और यहाँ से मैडम लेंस लगाएगी, बड़का दूरबीन लगाएगी, दूरबीन लगा के देखेगी, और आंख बोलेगा घुमाने के लिए, कभी ऐसे करो, कभी ऊपर करो, कभी नीचे करो, मतलब देखता है वो, ये जैसे ऐसे करेगा ना देखेगा कि लेंस लगा हुआ है, उभरा हुआ है कि नहीं, वो देख लेता है। फिर बड़ा दूरबीन लगा के देखेगा, फिर छोटा दूरबीन लगा के देखेगा, मतलब छोटा, लास्ट वो देख लेता है, बढ़िया से चेक कर लेता है। आपका आंख रोटेट करने बोलेगा अंदर में, आप जैसे मैडम चेक कर रही होती है, आंख रोटेट करने, जैसे जैसे आंख रोटेट करने बोलेगा वैसे वैसे आप करते रहेंगे, वो आपका चेक हो जाएगा। इस तरह से लास्ट आई टेस्ट किया जाता है, और इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होता है रेलवे में आपका, इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होता। लेकिन जब हम मेरा एक्सरे लिया गया, एक्सरे जब कंप्लीट किए तो वहाँ पर हम डॉक्टर से पूछे थे, सर क्या हम जान सकते हैं कि मेरा जो मेडिकल है वो क्या है, रिपोर्ट नॉर्मल है या कहीं किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर सर हमको एक ही बात बोले, देखो रेलवे में अगर तुम एक ड्राइवर के पद पर आते हो, असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर आते हो, यानी कि ALP के पद पर आते हो, तो उसके लिए सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आई। अगर आपका आँख ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर आँख खराब है तो सब कुछ खराब है, क्योंकि आँख में अगर छटा गए तो आप ALP बन ही नहीं सकते, और आँख में अगर पास हो गए तो आप ALP बन गए, बाकी सब नॉर्मल सब ठीक है। तब हम बोले, जब सर पेड़ थपथपाया तो उस टाइम तो हम समझ गए ना मेरा आई टेस्ट ठीक है। तो इस तरह से कर रहे मतलब मेडिकल लिया गया मेरा, और सभी लड़का का मेडिकल पास हुआ, कोई नहीं छटा, एक भी लड़का नहीं छटा। एक लड़का का क्या हुआ ना, उसका 6x36 निकल गया, 6x36, समझ सकते हैं कितना बड़ा हो गया वो, 6x36 में चला गया वो। तो उसको क्या किया ना, उसको भगाया नहीं। देखो ALP प्लस टेक्नीशियन का कम्बो एग्जाम लिया गया था 2018 का, और अभी भी वही किया गया है, JEE में भी वही, RRB में भी देख रहे हैं, NTPC वही किया है, कम्बो एग्जाम लिया गया था, यानी कि वो ALP का भी कट ऑफ पार किया गया था, क्या था, और वो NTPC टेक्नीशियन का भी कट ऑफ पार किया था। तो जिसके कारण आँख में उसका 6x36 आ गया, आँख में प्रॉब्लम हो गया, तो ALP पे उसका नहीं हुआ, तो उसको क्या किया, टेक्नीशियन के पद पर दे दिया गया, और अभी टेक्नीशियन के पद पर वो काम कर रहा है। तो इस तरह से रेलवे में आपका एक असिस्टेंट लोको पायलट का मेडिकल होता है, तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, और आँखों का भी एक एक्सरसाइज होता है, आप लोग आँख का एक्सरसाइज कीजिए। हम बताते हैं, अगर आप सच में ALP में आना चाहते हैं तो आँख को 6x6 रखना है, तो जैसे होता है साग, बहुत तरह का होता है साग घर में बनाता हुआ वो खाइए, साग का जूस पीजिए, साग का जूस मिक्सचर में निकाल के पीजिए। और एक आँख का एक्सरसाइज होता है, जैसे कि ये आँख हो गया, ठीक है, ये आँख हो गया, इसको क्या करना है, मॉर्निंग में रोज, ठीक है, मॉर्निंग में रोज जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आँख का भी एक्सरसाइज होता है। आँख का एक्सरसाइज करने से देखो फायदा क्या क्या होगा, आँख का एक्सरसाइज कीजिए, पहले इसको क्या करना है, नीचे करना है 10 times ऊपर, 10 times नीचे, 10 times ऊपर, ऐसे देखना, फिर ऐसे देखना, ऐसे देखना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो करने मतलब 10 बार नीचे, 10 बार ऊपर, ठीक है। उसी तरह फिर 10 times इधर, 10 times इधर, ऐसे करना है, तिरछी नज़र जैसे देखते हैं, तिरछी नज़र, ऐसे देखना है 10 times, ठीक है। उसके बाद 10 times रोटेट करना है, इसको रोटेट करना है, ऐसे आँख को गोल गोल घुमाना है, अंदर के आँख को ऐसे गोल गोल घुमाना है, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज हो गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसको इधर से इस तरह से 10 times करना है,
इधर से भी 10, इधर से भी 10, ऊपर 10, नीचे 10, बाएं दाएं 10 टाइम्स रोज कीजिए मॉर्निंग में। इससे देखो फायदा क्या क्या होगा, अगर आप एक स्टूडेंट है तो करना चाहिए आपको। इससे फायदा ये होगा कि आपका आंख 6x6 रहेगा, सब दिन आंख 6x6 रहेगा। दूसरी बात ये, सिस्टम पे बैठते हैं कंप्यूटर पे जब आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना कि आंख, देखिए आंख क्या होता है, झपकता है तो उसमें भी समय लगता है, और ये जब एक्सरसाइज करेंगे आंख कम झपकेगा, आप एक बार में ज़्यादा देर तक देख पाएंगे किसी भी चीज़ को, एक बार में ज़्यादा देर तक देख पाएंगे। ये जो झपकता है आंख, ये कम जब झपकता है वो भी तो समय लेता है, तो आपका समय खाता है। तो ऑनलाइन एग्जाम में एक एक समय बचाना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन की किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपका जितना कोशिश हो सकता है, मतलब बाहरी चीज़, यानी कि मेरा माइंड जो है पूरा पूरा क्या होता है, एग्जाम पे फोकस होना चाहिए। प्रत्येक बाहरी चीज़ से आपको बचना होता है। आंख अगर आपका झपक रहा है, अगर एक मिनट में 10 बार झपक गया तो 10 बार वो समय लिया, वो आपका समय बर्बाद किया। तो मतलब कि आंख के झपकने के समय को भी वो कम करता है, ये एक्सरसाइज कीजिएगा। तो आप ढंग से एक बार में ज़्यादा देर तक आँख को एक रंग खोल के रख पाइएगा और उसको ज़्यादा देर तक पढ़ पाइएगा, यानी कर पाइएगा क्वेश्चन। तो ये भी एक एक्सरसाइज है जो आपको फायदा देता है, और ये फायदा आपको साइको में ज़्यादा देता है, क्योंकि साइको 2 मिनट के लिए एक क्वेश्चन आएगा, 2 मिनट के लिए 12 क्वेश्चन आएगा, 2 मिनट में 12 क्वेश्चन कर दिए उसके बाद हार जाएगा, फिर अगले 2 मिनट में 12 क्वेश्चन आ जाएगा, फिर अगले 5 मिनट में 96 क्वेश्चन आ जाएगा, 70 क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से साइको होता है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइम फिक्स रहता है, और वहाँ पर अगर 10 बार आप ऐसे ऐसे झपकी मार दिए तब तो फिर गया आपका, फिर आपका साइको नहीं निकलेगा। तो इन सब चीज़ों में आपको ये फायदा करेगा ये एक्सरसाइज, और आप कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हम यही बोलेंगे अगर आप ALP में आना चाहते हैं तो, जैसा कि हम बताएं मेरा ये मेडिकल लिया गया, ऐसा ही मेडिकल लिया गया, और जनरली ऐसा ही होता है हर जगह। तो आप तैयारी कीजिए अभी से मेडिकल, उस बारे में मत सोचिए, आप ये जो एक्सरसाइज बताए ये चीज़ कीजिए और ढंग से पढ़िए अभी से। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम बताएंगे आपको। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।